उनमें अगर समझ होती तो ये दूषित मुख्यमंत्री बनना था, और वो मुख्यमंत्री बन मेरे को पार्टी से निकाला किसी। आखिर लंबी चुप्पी तोड़ते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला से सवाल कर ही लिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने का लगातार दावा करते आ रहे दादा ओम प्रकाश चौटाला यह तो बताएं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना ही था तो उन्हें पार्टी से निकाला क्यों था। वो कह रहे हैं कि अगर आप एमएलओ में होते तो सीएम होते। मेरे को पार्टी से निकाला किसने। इस पर दादा ओम प्रकाश चौटाला ने भी जवाब दिया कि दुष्यंत को किन परिस्थितियों में इनेलो से निकाला गया था यह भी समझने की बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि अब दुष्यंत को इनेलो में नहीं लिया जा सकता क्योंकि अब बात बहुत आगे जा चुकी है। गौरतलब है कि फरलो से आने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हर कार्यकर्ता सभा में यही भाषण दे रहे हैं कि यदि दुष्यंत चौटाला इनेलो को ना तोड़ते तो वे भाजपा गठबंधन में उप मुख्यमंत्री होने की बजाय इनेलो सरकार के मुख्यमंत्री होते। अब जिस पार्टी में वो जाने की सोच रहा है उसमें उसने किसी ने बुलाया उसको निमंत्रण दिया है, बीजेपी में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहता तो उसके साथ जो है वो तो भाग रहे हैं, फिर क्या करेगा वो। तो आपके हिसाब से सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होगा। 5 साल नहीं, मुझे तो 5 महीने भी नहीं चलती लगी। इन्हें खुद अपने दम पर सरकार बनाएगी या किसी का सहारा लिया जाएगा? हम जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकार बनाएंगे। उनमें अगर समझ होती तो ये दूषित मुख्यमंत्री बनना था, और वो मुख्यमंत्री बने। उधर अप्रोक्स हमले सहते आ रहे दुष्यंत चौटाला ने आखिरकार भिवानी में अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। यह भी संयोग की बात है कि दादा और पोता एक ही दिन भिवानी प्रवास पर थे, अलबत्ता दोनों के कार्यक्रम अलग अलग निर्धारित थे। मसलन जहां ओम प्रकाश चौटाला जाट धर्मशाला में पत्रकारों से रूबरू थे, वहीं दुष्यंत चौटाला भिवानी की बार एसोसिएशन में अपने दादा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार 5 महीने भी चलने वाली नहीं है, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि इनेलो कैडर लंबे इंतजार से बहक न जाए, इसलिए इनेलो सुप्रीमो अतीत में भी इसी प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को बहलाते आ रहे हैं। लब्बो लुआब यह है कि इनेलो सुप्रीमो लगातार इनेलो को चर्चा के केंद्र बिंदु में रखने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।